बिरयानी दोनों तरह की होती है, वेज भी होती है नॉन वेज भी होती है, और बिरयानी से पेट भी भर जाता है और आप कह सकते हैं कि एक स्वाद में एक नया ट्विस्ट भी आ जाता है। तो बिरयानी का बिज़नेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं, कितनी लागत आपको आएगी, कैसे आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको वीडियो को अंत तक देखना है। शुरुआत कहाँ से करें, बिरयानी का ठेला लगाकर बिजनेस करने की शुरुआत कैसे की जा सकती है? जब आप बिरयानी का ठेला लगाने जा रहे हैं तो आप सामान्य परिवार से ही आते होंगे और सामान्य परिवार में कभी ना कभी खाना पकाना भी पड़ता है, तो आपको खाना बनाना आता ही होगा। हो सकता है कि आपको खुद बिरयानी बनानी आती हो, यदि बिरयानी बनानी आती है तो ठीक है, वरना किसी बिरयानी बनाने वाले कारीगर को हायर कर सकते हैं, उससे बिरयानी बनवा कर बेच सकते हैं। अब अपना बिजनेस का ठिकाना तलाशें। आपको अब अपने बिजनेस का ठिकाना तलाशना होगा। आपको ऐसी जगह तलाशनी होगी जहां पर बिरयानी खाने वाले अधिक से अधिक आते हों, यानी ऐसी जगह जहां भारी संख्या में लोग आते जाते हों। ये जगह रिहायशी इलाकों से दूर हो ताकि जहां लोग खाने की तलाश में रहते हों। ऐसी जगह कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरिया में हो सकती है। इसके अलावा मार्केट, पेट्रोल पंप, सिनेमाघर, पार्क, मनोरंजन के केंद्र आदि जगह भी आपके बिजनेस के लिए सही हो सकती है। शुरू में बिजनेस चलाने के लिए क्या करें? कोई भी नया बिजनेस चलाना या उसे जमाना आसान नहीं होता, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं कि उसे किया ना जा सके। पैसा कमाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। पैसे कमाने के लिए आपको परंपरा से हटकर कुछ नए फॉर्मूले तलाशने होंगे। जैसे मार्केट में बिरयानी अधिकतर रिफाइंड ऑयल में बनाई जाती है, आप अपनी बिरयानी देसी घी में बनाएं। आप अपनी बिरयानी के साथ सैलड, अचार, रायता आदि ग्राहकों को दें। जब मार्केट की अन्य बिरयानी से आपकी बिरयानी का स्वाद अलग होगा तो ग्राहक आपकी तरफ खींचा चलाएगा। बिजनेस की शुरुआत कैसे करें? आपको पहले ही दिन 20 किलो चावल की बिरयानी नहीं बनानी है, इसलिए सबसे पहले 2 किलो चावल इस्तेमाल करें। वो जब बिक जाएं तो दूसरी बिरयानी के बनाने की तैयारी करें। इससे आपके ग्राहकों को ताज़ी बिरयानी मिलेगी जिसका टेस्ट अलग ही होगा। ये सिलसिला एक सप्ताह तक जारी रखें और जब ये महसूस होने लगे कि अब आपको 2 किलो चावल की बिरयानी से काम नहीं चलेगा तो आप अधिक बिरयानी के लिए चावल खरीदना शुरू कर दें। इससे आपके ग्राहकों को और आपको परेशानी नहीं होगी, ना ही आपके ग्राहकों को बिरयानी का इंतजार करना पड़ेगा, आपको भी बार बार बिरयानी भी नहीं बनानी पड़ेगी। कितने प्रकार की होती है बिरयानी? बाजार में बिरयानी कई प्रकार की बिकती है। ये सब ग्राहकों की पसंद पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार की बिरयानी खाना चाहते हैं। इसके लिए आपको अपने बिजनेस वाले एरिया का सर्वे करना है। वैसे मार्केट में 2 तरह की बिरयानी अधिकांश खाई जाती है, वेज और नॉन वेज बिरयानी। वेज बिरयानी लगभग एक ही तरह की होती है। ये बिरयानी चावल और टमाटर से बनाई जाती है जिसमें प्याज, टमाटर, सोयाबीन की बड़ी वगैरह इस्तेमाल होती है। इसके साथ सलाद, चटनी, रायता आदि दिया जाता है। नॉन वेज बिरयानी में कई तरह की बिरयानी बनाई जाती है, जैसे चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, अंडा बिरयानी, फिश बिरयानी। ये नॉन वेज बिरयानी आजकल मार्केट में बेची जाती है, लेकिन इसमें सबसे अधिक डिमांड चिकन बिरयानी की होती है। इसके अलावा हर क्षेत्र के लोगों की पसंद के अनुसार बिरयानी बनाई जाती है। लाइसेंस लेने से पहले क्या करें? वैसे आप अपना बिजनेस शुरू करने से मार्केट में पहले ही अपनी बिरयानी की पहचान के लिए कोई ना कोई नाम अवश्य देना चाहेंगे। इसके लिए आप बहुत छोटा सा और अट्रैक्टिव नाम खोजें और उसमें बिरयानी शब्द अवश्य जोड़ें। ये नाम इतना आसान होना चाहिए कि लोगों की जुबान पर चढ़ जाए, जैसे छोटू की बिरयानी, उस्ताद बिरयानी, हैदराबाद की मशहूर बिरयानी आदि। लाइसेंस भी लेना होगा। पहले दिन से लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब आपका बिजनेस लोगों की नज़र पर चढ़ने लगे तो आपको किसी भी सरकारी कार्रवाई की टेंशन से बचने के लिए आवश्यक लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके लिए आप यदि खुद कर सकते हैं तो ठीक, वरना फीस लेकर लाइसेंस दिलाने वाले बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे। ज़रूरी कागजात देकर आसानी से आप बनवा सकते हैं। खाने से जुड़े बिजनेस के कारण आपको FSSAI से फूड लाइसेंस लेना होगा। दूसरा, आपको लोकल अथॉरिटी, ग्राम पंचायत, टाउन एरिया, नगर पालिका, नगर निगम के फूड सेफ्टी विभाग से लाइसेंस लेना होगा। यदि बिजनेस काफी बढ़ जाए तो आपको GST नंबर भी लेना होगा। लागत, इस बिजनेस में कितनी लागत आएगी ये जानना बहुत जरूरी है। बिरयानी बनाने के लिए गैस, चूल्हा, प्रेशर कुकर, भगोना, कटोरा, एक छोटी टंकी रायते के लिए और एक पीने के पानी की टंकी, बड़ा सा डस्टबिन, एक ठेला, एक बड़ा चम्मच या करछुल तथा कच्चा माल, चावल, मटर, सोयाबीन बड़ी, प्याज, टमाटर, चिकन, मटन, अंडा, फिश, मसाले, रायते का सामान, चटनी का सामान आदि लेना होगा। इन सब की खरीद में आपको शुरू में थोड़ा खर्चा पड़ेगा। इस बिजनेस में आपको 10,000 से 20,000 रुपए की लागत तो आएगी। इस तरह क्वालिटी बनाएं। मुनाफा कमाने के लिए आपको सोचना होगा कि आप कम सेल करके अधिक प्रॉफिट कैसे कमाएं। जब आपकी सेल अधिक हो जाएगी तो आप यदि मामूली सा मुनाफा बढ़ाएंगे तो आपको काफ़ी बचत हो जाएगी। इसलिए आपको शुरू में तो प्रॉफिट और अधिक सेल करने की पॉलिसी बनानी चाहिए। सबसे पहले मार्केट से हटकर टेस्ट देना होगा। इसके लिए मार्केट में यदि रिफाइंड ऑयल की बिरयानी बिक रही है तो आप देसी घी की बिरयानी बनाएं।
लागत में अधिक अंतर नहीं आने वाला। इस तरह कमाए मुनाफा। देसी घी से 2 किलो ब्रांडेड बासमती चावल की बिरयानी बनाने से 6 किलो माल तैयार होता है। इतनी बिरयानी बनाने पर 850 रुपए खर्च आता है। मार्केट में रिफाइंड ऑयल की बिरयानी 200 रुपए किलो की बिकती है, तो आप कुछ दिनों अपने ग्राहकों को बुलाने के लिए 200 रुपए किलो ही बेचें। आपको 2 किलो चावल की बिरयानी पर 350 रुपए बचते हैं और दिन में आपने 10 किलो चावल की बिरयानी बेच ली तो आपको 1,750 रुपए की बचत होगी, जो आपको महीने भर में 50,000 से अधिक हो जाएगी। यदि आपकी सेल महीने भर बाद 20 किलो चावल की बिरयानी की हो जाएगी तो आपका मुनाफा उतना बढ़ जाएगा। इसका आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद जब अपना मुनाफा 5 रुपए किलो बढ़ाएंगे तो आपको 300 रुपए रोज का अतिरिक्त मुनाफा होगा। इससे ग्राहक भी नाराज नहीं होंगे और आपका मुनाफा भी बना रहेगा। तो चलिए फिर एक और बिजनेस की बात हमने कर ली कि बिरयानी का बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं। और बिरयानी के बिजनेस में सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने बजट के हिसाब से लेकर चल सकते हैं। यानी कि अगर आपका बजट कम है तो आप, मुझे लगता है कि एक छोटी सी दुकान भी नहीं, अगर एक छोटा सा आपके पास टेबल ही है, उस पर आप गैस स्टोव रख लें और थोड़ा बहुत बर्तन रख लें तो आपका काम चल जाएगा।